यूपी में वर्षों से लटकी परियोजनाओं का एक घंटे में समाधान हो गया। जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई उनमें आगरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। यूपी के चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल ने रक्षा मंत्रालय और सेना के अधिकारियों के साथ बैठक में कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें सबसे अहम है आगरा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अभी तक जमीन विवाद की वजह से एयरपोर्ट को मंजूरी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल की पहल पर रक्षा मंत्रालय एयरपोर्ट के लिए जमीन देने को तैयार हो गया है। आगरा एयरपोर्ट के निर्माण पर राज्य सरकार करीब 275 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा भी कई परियोजनाओं को इस बैठक में मंजूरी दी गई। सैफई एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। किसान अपनी सब्जी और दूसरे उत्पादों को आसानी से भेज सकेंगे। इलाहाबाद के बमरौली एयरपोर्ट पर विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा भी जल्द शुरू होगी। लखनऊ में कुकरेल नाले पर 6 लेन की सड़क और पीपरा घाट पर पुल का निर्माण भी जल्द होगा। वाराणसी में फुलवरिया मार्ग चौड़ी होगी। रेलवे स्टेशन पर नया प्लेटफॉर्म बनेगा। इन परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से उत्तर प्रदेश के शहरों में विकास की रफ्तार तेज होगी। जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है वो पिछले 3 साल से लेकर 30 साल से अटकी थी। रक्षा मंत्रालय और यूपी सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाने की वजह से परियोजनाओं का काम शुरू नहीं हो पा रहा था। परियोजनाओं को लेकर यूपी के चीफ सेक्रेटरी दिल्ली जाकर रक्षा सचिव और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव से मिले थे। वैसे आगरा में हर साल 5 लाख विदेशी समेत 30 लाख सैलानी आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने से वो अब सीधे आगरा पहुँच पाएंगे। बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन के दौरान युद्ध अपराध के मुजरिम मीर कासिम अली को फांसी की सजा दी गई। 63 साल के मीर कासिम अली को रात 10:30 बजे करीब ढाका के बाहरी हिस्से में मौजूद कासिमपुर जेल में फांसी की सजा दी गई। मीर कासिम की सजा का गवाह बनने के लिए जेल के बाहर भारी भीड़ थी। बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी वहां मौजूद थे जिन्होंने 1971 के मुक्ति आंदोलन में भाग लिया था। लोगों के चेहरों पर कासिम को फांसी दिए जाने पर खुशी थी। मीर कासिम की फांसी के मद्देनजर ढाका और देश के दूसरे शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जमात इस्लामी का मुख्य फाइनेंसर था। जमात इस्लामी ने बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने का विरोध किया था। 1971 के मुक्ति आंदोलन के दौरान मीर कासिम पर हत्या, टॉर्चर और धार्मिक हिंसा के लिए भड़काने का आरोप था। दिसंबर 2013 से अब तक कुल मिलाकर जमात इस्लामी के 6 नेताओं को युद्ध अपराध के लिए मौत की सजा दी जा चुकी है। 1971 के मुक्ति आंदोलन में 9 महीनों के दौरान करीब 30 लाख लोगों की हत्या हुई थी और हजारों महिलाओं का रेप किया गया था। मीर कासिम की मौत की सजा पर पाकिस्तान ने नाराजगी जताई। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के रुख पर बांग्लादेश सरकार ने ढाका में पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया। और फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात शाम 7 बजे।